ये क्या है यार, इतने सारे लोग वीडियो देखने तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वूजी उस बुढ़ऊ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस तरफ वो टोपी वाला बुढ़ऊ सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा कितना ज़्यादा ताकतवर है। इस तरफ हमें उन दोनों की लड़ाई को दिखाया जाता है। वो बुढ़ऊ वूजी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। इस तरफ वूजी भी अपनी सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो भी उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें वूजी को दिखाया जाता है। वो लड़की उसके पास आती है। वूजी उससे कहता है क्या तुम्हारी अपनी बॉडी में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। वो कहती है नहीं, मैं और मेरी मदर यहाँ से बहुत दूर थे इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चला कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी वहाँ पर वो टोपी वाले बुढ़ऊ आते हैं। वो वूजी से कहते हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन से स्टेट में हो अभी। वूजी उनसे कहता है आपको क्या लगता है मैं कौन से स्टेट में हूँ। वो कहते हैं मुझे लगता है तुम अभी एडवांस मार्शल सीनियर के पीक लेवल पे होगे और तुम ग्रेट मार्शल आर्ट सीनियर से कंपैरिजन कर सकते हो जब तुम अपनी पावर को और बढ़ा लो। सीन चेंज होता है, हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं। इधर ये बुढ़ऊ वूजी से कह रहा होता है कि कल आपकी लड़ाई ने और आपके तलवार चलाने के अंदाज ने हमारी आँखें खोल दी है मास्टर। वो लड़की वूजी से कहती है तुम तो सचमुच कमाल के हो। वूजी उससे कहता है अगर तुम भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो तुम भी ये कर सकती हो और जो एडवांटेज है तुम्हें तुम इससे बहुत जल्दी मेरे लेवल तक पहुंच जाओगी। वो कहती है क्या मैं भी ये सचमुच कर सकती हूँ। वूजी कहता हाँ तुम ये ज़रूर कर सकती हो। और इस तरफ वो सोच रहा होता है इसे ज़रूर शौक लगेगा जब इसे पता चले कि ये अपनी स्पेशल बॉडी में हवा में उड़ भी सकती है। वूजी उससे कहता है जो मेथड मैंने तुम्हें बताया है वो कोई नॉर्मल मेथड नहीं है, अगर तुम उसकी प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम बहुत जल्दी कल्टीवेशन के एक नए लेवल तक पहुंच जाओगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस लेवल पर मैं हूँ तुम उस लेवल पर कुछ सालों में ही पहुँच सकती हो। ये सुनकर उस बुढ़ऊ का मुँह खुला खुला ही रह जाता है क्योंकि उस लड़की को सिर्फ कुछ साल ही लगने वाले हैं। वूजी उससे कहता है तुम ऐसे मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो, मैंने तुम्हें भी तो कुछ मेथड्स बताए हैं ना, तुम उनकी प्रैक्टिस करो। और हाँ ये जो चीज़ है मार्शल सीनियर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है। इस तरफ इंटरनल और एक्सटर्नल मास्टर के भी मुंह फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों को मार्शल सीनियर पहुँचने में अपनी पूरी ज़िंदगी लग चुकी है और ये कह रहा है कि ये बस अब शुरुआत ही है। फिर बहुत देर मीटिंग हो जाने के बाद वूजी सबको बेजुआ वापस लौटने के लिए कहता है। उसके बाद वूजी उस लड़की की मॉम से पूछता है कि अब आगे आपका क्या प्लान होने वाला है। उसकी मॉम उसे प्लान बताने लगती है कि अब शू फैमिली से तो उनका कोई नाता रहा नहीं और फिर उसके आगे वो उसे बताती है। तभी वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है और वो वूजी से कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे ताकतवर बनने का और भी नया नया तरीका बताते रहो। अब मुझे ये समझ आ चुका है अगर मैं स्ट्रांग रहूँगी तभी मैं अपना और मॉम का ख्याल रख पाऊँगी। वूजी उससे कहता है तो तुम लोग मेरे साथ जिंगलैंग क्यों नहीं चलते हो। और वो सोच रहा होता है कि एक बटलर ने ज़ुमू मेंशन जो वहाँ पे है उसे बताया था कि अब वो वूजी का मेंशन है इसलिए वो उन्हें वहाँ पे ले जाना चाहता है। वो दोनों इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वूजी के पास आती है। वो लड़की वूजी से कहती है तो चलो ना, इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, चलो हमें जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचना होगा। उसकी मॉम कहती हाँ हमें अभी ही चलना होगा, अगर ज़्यादा रात हो गई तो फिर हमें फ़्लाइट नहीं मिलने वाली है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग कार से वहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी वूजी देखता है कि साइड में वही टोपी वाला बुढ़ऊ होता है। वो सोच रहा होता है मुझे और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वूजी अपनी कार को वहीं रोकता है और उस बुढ़ऊ से मिलने के लिए जाने लगता है। वो उन दोनों को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। वो लड़की और उसकी मदर सामने के कॉफ़ी शॉप पे चले जाती हैं और वूजी उधर उस बुढ़ऊ से मिलने के लिए। इस तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता और कहता है वूजी उनसे अलग हो चुका है। तब फ़ोन वाली आवाज़ कहती है ठीक है तो उन्हें उठा लो। इस तरफ हमें उस बुढ़ऊ को दिखाया जाता है। वो कहते हैं वूजी मैंने सुना आज तुम यहाँ से निकलने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देने के लिए आया हूँ। वूजी कहता है जो कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो बुढ़ऊ कहते हैं वूजी क्या तुम गोल्डन एज ऑफ मार्शल आर्ट्स के बारे में जानते हो। वूजी कहता है ये क्या है। वो कहते हैं हमें भी नहीं पता है अच्छे से कि ये क्या है लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। उसके बाद वो अपने बहुत ही लंबे चौड़े भाषण में उसे बताने लगते हैं ये गोल्डन एज ऑफ मार्शल आर्ट्स क्या है। सीन चेंज होता है, हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। ये लोग आराम से यहाँ बैठ कर कॉफ़ी पी रही होती है और बातें भी कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और अचानक से उन दोनों को उठा लेते हैं। वहाँ पर और भी लोग होते हैं लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। ये लोग जो गुंडे होते हैं ये कहते हैं ये शू फैमिली का मैटर है और तुम लोग को इससे दूर रहना चाहिए।
इधर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को कैदी बना के रखा गया होता है। उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और इसके पीछे कोई और नहीं, इसी लड़की के डैड होते हैं। इसकी मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हें चाहिए क्या। वो कहते हैं हम लोग इतने सालों से साथ में हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। उसकी मॉम कहती है कि हम दोनों का रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है और तुम ज़्यादा दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मिस्टर वू जी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। वो कहता है, अपनी बेटी से कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो क्या नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप रहूँगा और तुम्हारा बाप होने के नाते मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। हमारी शू फैमिली बहुत ज़्यादा झेल रही है और तुम भी इसे समझ सकती हो। उसकी मॉम उस लड़की से कहती है कि इसकी बातें ज़रा ही मत सुनना, ये एक धोखेबाज है और ये तुम्हें फंसाने की फिर से कोशिश कर रहा है। वो लड़की कुछ कह नहीं पा रही होती है। उसके डैड कहते हैं, देखो हम सभी एक फैमिली हैं, तो क्या तुम मिस्टर बूजी को हमारी फैमिली मैटर से दूर नहीं रख सकती हो। हम सभी लोगों को अपनी गलती का पछतावा है, हम सभी रिलेटिव्स हमारे जितने भी हैं, हम सभी लोगों को अपनी गलती पर अफसोस है। क्या तुम हम सभी लोग को वूजी के हाथों से मरना देखना चाहती हो। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैं पहले गलत था लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी मॉम उसे कह रही होती कि तुम इन लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना, ये लोग सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, ये लोग बस दिखावा कर रहे हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, ये तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। जो भी उसके लोग होते हैं वो सभी उसकी मॉम का गला पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जल्दी से जल्द वूजी से कह दो कि वो हमारी फैमिली मैटर से दूर रहे, वरना तुम्हारी मॉम नहीं बचने वाली है। अगर तुम इसे ज़िंदा देखना चाहती हो तो जाओ और वूजी से कहो कि वो हमसे दूर चला जाए, बहुत बहुत दूर, और हाँ इन सभी चीज़ों के बारे में उसे कुछ भी मत बताना, वरना तुम इसे अभी ज़िंदा नहीं देखने वाली हो। और वो सोच रहा होता, अगर वूजी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल भी गया तो वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये मेरी बेटी है और ये काफ़ी दयालु भी है। एक सेकंड से भी कम में हम देखते हैं कि वूजी उसके पीछे आ जाता है और सभी लोग हैरान होते हैं इस बात को देखकर, क्योंकि वो उस दरवाज़े को तोड़ के आया हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत दरवाज़ा था। तभी उसकी बेटी उसके मुंह पर एक ज़ोरदार चाटा मारती है और वो सीधा कूद कर वूजी की गोदी में चली जाती है। वूजी कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और तुम्हारी मॉम को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है लेकिन वो देखता है सभी लोग नीचे झुक चुके होते हैं। वो कहता है, तुम लोगों को किसकी जान चाहिए। वो सभी कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, तुम जैसा समझ रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ पर इन दोनों से मिलने के लिए आए थे ताकि हमसे जो जो गलती हो गई हो हम इनसे माफ़ी मांग लें।